असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर व नांदेड़ हल्के शुमाल के उम्मीदवार फिरोज लाला के दफ्तर पर एक जायजा मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग में हल्के जनूब के उम्मीदवार साबिर चौश, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन, एडवोकेट सैयद वाजिद के अलावा दीगर जिम्मेदारान कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद रहे। मीटिंग से खिताब करते हुए फिरोज लाला ने मजलिस के आला कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनान और मुहिब्बान की मेहनतों को काबिल फख्र करार दिया। उन्होंने कहा कि जीत और हार अल्लाह के हाथ है, आखिर में यही देखा जाता है कि कौन कितनी शिद्दत से मुकाबले में डटा रहा। फिरोज लाला ने कारकुनान को मशवरा दिया कि वो मायूस ना हो और आइंदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तैयारियों का आगाज आज ही से करें। आज मैं तमाम नांदेड़ उत्तर और दक्षिण की अवाम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमको का बहुत ज़्यादा वोटों से, दुआओं से, आशीर्वादों से नवाजे हैं। मैं वो तमाम मुस्लिम, ओबीसी, दलित और तमाम दीगर समाज के जो लोग जिन्होंने मुझे बहुत से वोटिंग किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज यहां पे कारकुनाने मजलिस, मुहिबाने मजलिस, ये तमाम लोग यहां पर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह से इस असेंबली इंतखाबात के अंदर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने दो जलसे किए और साथ में औरंगाबाद हैदराबाद के रुकन असेंबली कौसर मोहीउद्दीन साहब और वहाँ के कॉरपोरेटर्स, भैंसे के म्यूनसिपाल्टी के एक्स चेयरमैन जनाब जाबिर अहमद साहब और तमाम उनकी टीम, जिन्होंने यहाँ पर 10-15 दिन तकरीबन रात और दिन हमारे लिए मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो नौजवान रोज़े रखे, मेहनतें की है हमारे लिए, नमाजें पढ़े, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर एक इजलास हमने रखा था कारकुनान का, तो यकीनन ये उनकी हिम्मत अफजाई और जिस तरह से उन्होंने पिछले 29 दिन हमारे साथ जो रात और दिन मेहनत की, यकीनन वो यहां पर एक अच्छा हम लोगों ने इलेक्शन यहां पर लड़ा है। इंशाल्लाह ताला अब हमारे जिंदगी का मकसद यही है, जिन नौजवानों ने, जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह यहाँ पर रात और दिन मेहनत की है, तो इंशाल्लाह ताला उनका एक ख्वाब है आने वाली महानगर पालिका, आने वाली कॉरपोरेशन, इंशाल्लाह ताला आने वाली महानगर पालिका में हम मजलिस का झंडा लगा के इंशाल्लाह ताला रहे। दोनों भी सीटों पे ये देखा गया कि वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम में जो है वोटों का बंटवारा नजर आया, अगर दोनों जगहों पे या दोनों मिलके इलेक्शन लड़ते थे तो क्या लगता है आपको परिस्थिति बदल सकती थी क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी यहाँ पर हमारा कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा। आज अगर आप देखे वोटिंग परसेंटेज को अगर निकाले, अगर कास्ट के हिसाब से अगर देख रहे होंगे, तो यकीनन हमारे पास भी 42,000 वोट, यानी कि पिछली असेंबली के टाइम पे 32,000, इस बार 42,000, यानी कि 12,000 वोट हमारे बढ़े। बाकी कुछ फिरका परस्तों ने जो है सो यहाँ पर अलग अलग काम, अफवाहें की है, जिसके वजह से वो सक्सेस हो गए और हम यहाँ पर थोड़ा कम पड़े। सोशल मीडिया पे चर्चा है कि फिरोज लाला और साबिर चौश की वजह से उत्तर के अंदर फिरोज लाला ने मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सिटिंग एमएलए थे उनके 42 कॉरपोरेटर, दो जिला परिषद गठ और 3 पंचायत समिति के गण रहने के बावजूद वो सेक्युलर वोटों को का डिवीजन उन्होंने किया, हमने नहीं किया। कुछ कांग्रेस, चाबी, वंचित ने, ये तीनों ने मिलके हमारे वोट खराब किए। क्यों? कि मालूम हो चुका था उनको कि भाई इनके वोट फोड़ देंगे तो ये कि नहीं, ये सीटें ख़त्म कर देंगे। हर एक ने हमारे लिए पूरी कोशिश करा कि ये दो सीट हराना ज़रूरी है, बल्कि क्यों तो महापालिका में पूरी सत्ता उनकी है,
और पूरे नगर सेवक उनके हैं, जिला परिषद मेंबरा उनके हैं, सब रहते हुए भी मुस्लिम के हर एरिया में हर बूथ के ऊपर हम दोनों को लीड मिल जाली है। अभी उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही है। लोकसभा को असद साहब ने कि नहीं बड़ा है कि नहीं, एक जो एसटीपी रहता ना डीपी बड़ा पावर हाउस उड़ाए थे, अभी फिरोज लाला ने कि नहीं यहाँ का डीपी उड़ा दिए, तो अब बेचैनी उनके दिमाग में ऐसी बढ़ गई। अब साबिर चौस और फिरोज लाला महापालिका के अंदर पूरे MIM के तकरीबन पूरे नगर सेवकों को लाने की तैयारी में एकजुट से हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बता देंगे कि मजलिस के अंदर जो कार्यकर्ता रहता वो बगैर पैसे के, बगैर हिम्मत के, बगैर इसके काम करता, और हम दोनों ने जो भी वोट लिया है बगैर पैसे के, बगैर इसके वोट लिया आले हैं, और जितने भी पार्टियों ने वोट खरीद के लिए आले हैं वो लोग हारे और हम जीते आले अभी इस वक्त, क्योंकि हमारे साथ में हर वोटर ने हमारी खिदमत किया है, उन्होंने हमको वोट दे के कामयाबी दिए है। इस वजह से है कि नहीं, जिस तरीके से हमको लोगों ने जो चाहा है वो हमारी जो ताकत देख के अभी उनकी परेशानी बढ़ चुकी है।